अगर आप भी मेरी तरह लज्जत पापड़ के शौकीन हैं तो फिर ये रेसिपी सिर्फ आपके लिए है, गौर से देखिएगा। चलिए तो फिर देखते हैं इसे बनाना कैसे है। देखिए ये पापड़ कितने क्रिस्पी और कुरकुरे हो गए हैं। इसके लिए आपको लगेगी 1 किलो उड़द की दाल और 1 कटोरी मूंग की दाल। अब इसे आपको मिक्स करके घरघंटी में पीस लेना है। मेरे पास घरघंटी है इसीलिए मैंने यहाँ पर ये घरघंटी यूज़ की है। इसका बारीक आटा आपको पीस लेना है, एकदम फाइन आटा। आज ये पापड़ बनाने में चौधरी आंटी जो मेरी नेबर है उन्होंने मुझे हेल्प की है। चलिए तो फिर देखते हैं आगे की रेसिपी। आटा पीस के होने के बाद गर्म पानी कर लेना है आटे को गूंदने के लिए। यहाँ पर मैंने सुहाना का पापड़ मसाला यूज़ किया है। ये 100 ग्राम का पैकेट है, मैंने पूरा पैकेट इसमें यूज़ किया है। इसे हम मिक्स करके एक थाली में थोड़ा सा ऑयल डाल के ये पूरा आटा हमें इसमें निकाल लेना है और गर्म पानी में ही इसे गूंद लेना है अच्छी तरह से। थोड़ा थोड़ा करके आपको पानी डालना है। यहाँ पर आटा गूंदते समय मुझे कम से कम 3 से 3.5 ग्लास पानी लगा है, आप आपके हिसाब से डाल सकते हो। पूरी बनाने के लिए जैसे हमें कड़क आटा लगता है उतना आटा कड़क हमें गूंद लेना है इसका। आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने थोड़े थोड़े करके हम पानी इसमें ऐड कर रहे हैं और इसे अच्छी तरह से गूंद लेना है। आटा गूंद के होने के बाद हम इसमें अगेन थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे फिर से गूंद लेंगे। ऐसे कम से कम मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच तेल यूज़ किया है, कोई भी तेल आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। आटा अच्छे से गूंद के होने के बाद आपको इसे पूरी रात रेस्ट करके रखना है। देखिए इतना कड़क आटा आपका होना चाहिए। दूसरे दिन सुबह आप इसके छोटे छोटे से गोले बना लीजिए, पेड़े बना लीजिए और इसे पहले थोड़ा सा तेल लगाकर और देन ये जो आटा हमने पीस लिया था उसी आटे में इसे हमें रोल करना है। एकदम पतले से पापड़ हमें बेलने हैं। अगर आप क्रिस्पी पापड़ चाहते हो तो आप इसे पतला पतला बेल लीजिए। अगर आपके पास पापड़ की मशीन हो तो आप उस मशीन में भी इसे बना सकते हो, लेकिन हाथ से ये और काफ़ी अच्छी तरह से पतले से बेले जाते हैं। इसे सुखाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 दिन आप इसे घर में ही सुखा सकते हैं फ़ैन के नीचे और फिर दूसरे दिन थोड़ी सी धूप दिखा दीजिए। इतने मेजरमेंट में आपके 180 पापड़ आराम से बन जाते हैं। आप देख सकते हैं ये पापड़ इतने पतले बेले हैं कि आपका हाथ भी इसके अंदर से दिख रहा है। हमने यहाँ पर ये फ़ैन के नीचे ही सुखाया है 1 दिन और नेक्स्ट दिन धूप में। ये पापड़ पूरी तरह से सूखने के बाद इस तरह से बन जाएंगे। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। मुझे तेल में ये पापड़ फ्राई किए हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सो मैं तेल में यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे गैस पर डायरेक्टली रोस्ट भी कर सकते हैं, वैसे भी ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। एकदम क्रिस्पी, कुरकुरे और मज़ेदार है ना, बहुत आसान। चलिए तो फिर आप भी जल्दी से ये रेसिपी ट्राई कीजिए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए और मज्जूस किचन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यम्मी, कुरकुरे और मज़ेदार। एंजॉय।